केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिशाहीन बताया है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में कुछ भी अलग प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों की आय दुगुनी करने की बात करने वाली केंद्र सरकार ने इस बजट में किसानों का ख्याल नहीं रखा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 100 स्मार्ट सिटी के बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में छत्तीसगढ़ के खाते में कुछ नहीं मिला, ये काफी निराशाजनक है। ये तो दिशाहीन बजट है। सब लोग सोच रहे थे किसानों को कुछ मिलेगा, मजदूरों को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं है। किसानों का आय दुगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए है, ना किसानों के लिए। एक दिशाहीन बजट। छत्तीसगढ़ के अनुसरण कर रहे हैं, अच्छी बात है।